नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिगुणा आयुर्वेद में आप सभी लोगों का डॉक्टर शमिका स्वागत करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे शरद ऋतु के बारे में। अभी बारिश खत्म हो रही है, बीच बीच में बारिश हो भी रही है, लेकिन अभी बारिश खत्म होके जो महीना आएगा अक्टूबर महीना शुरू है, अक्टूबर हीट हम जिसे बोलते हैं, बारिश की ठंडक कम होके गर्मी का एक सीजन थोड़ा आएगा, छोटी गर्मी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर जैसे खत्म होता है नवंबर के 15 दिन के बाद सर्दियाँ शुरू हो जाती है, तो उसमें सर्दियों का सीजन विंटर हम बोलते हैं वो शुरू हो जाएगा। बारिश और सर्दियों की सीजन के बीच का ये जो सीजन है इसको शरद ऋतु बोलते हैं। ये एक गर्मी का सीजन हम बोल सकते हैं, जैसे एक्चुअल में जो ग्रीष्म ऋतु है वहाँ पे मई का महीना, मार्च का महीना, वहाँ पे 2-3 महीनों तक बहुत गर्मी रहती है, लेकिन ये एक ही महीना ऐसा है अक्टूबर का महीना जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। शरद ऋतु की शुरुआत मिड सितंबर से लेके नवंबर, मिड नवंबर तक रहेगी। अक्टूबर के दौरान ज़्यादा तेज़ी से वो महसूस होगा। तो क्या खास बातें हैं इस ऋतु की और इसमें हमारा खान पान, हमारा बाकी का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, अगर इसकी जानकारी हमें रहती है तो हम अपनी बॉडी को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि शरद ऋतु आयुर्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बोला गया है, इस ऋतु में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि इस ऋतु में शरीर में पित्त दोष नेचुरली बढ़ जाता है। आप कुछ भी तेज़ तीखा नमकीन खाएंगे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हैं तो भी आपको पित्त की तरह तरह की तकलीफें हो सकती है, जिसमें उल्टी जैसे लगना, पेट में जलन है, सीने में जलन है, सिर दर्द है, जिनको मुंह के छाले हैं वो बढ़ जाते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, गर्माहट बहुत महसूस होने लगती है, और बारिश के सीज़न में हम बहुत गर्म चीज़ें खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे, कभी कभी भजिया वगैरह ऐसे खा रहे हैं, और वही खाना अगर हमने इस ऋतु में शुरू रखा, जारी रखा, तो हमें पित्त और भी बढ़ जाता है और पित्त की तकलीफ और भी होने लगती है। तो इस ऋतु में हमारा जो खान पान होना चाहिए वो पित्त को शमन करने वाला, पित्त को बैलेंस करने वाला होना चाहिए। तो कौन से रस है जो पित्त को बढ़ाते हैं? उसमें सबसे ज़्यादा आता है खट्टा रस, तीखा रस और नमकीन। ये तीनों रस है जो पित्त को बढ़ाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा तीखा, स्पाइसी फूड, जंक फूड या फिर बाहर का चाइनीज़ वगैरह खाने की आदत हो गई है या फिर आपको पसंद है, तो प्लीज़ इस ऋतु में मत खाइए। जितना हो सके नॉर्मल खाना, सादा खाना आप खाइए, नहीं तो आपका पित्त हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको बहुत तकलीफ देगा। नमकीन चीज़ें भी, जैसे फरसाण है या फिर खट्टी चीज़ें हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, खमन है, इडली है, डोसा है, ढोकला है, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। अचार है, पापड़ है, ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा नमकीन है, तीखी है, लाल मिर्च हो या फिर हरी मिर्च हो, गरम मसाले हो, उनका कम से कम प्रयोग आप कीजिए। इस वजह से ही इस ऋतु में हमारा श्राद्ध पड़ता है। हिंदुओं में ये श्राद्ध का महीना है, श्राद्ध शुरू होते रहता है, तो श्राद्ध में जो भी सारी सब्जियां आती है वो सारी पित्त कम करने वाली है। कौन सी सब्जियां आती है? लौकी है, परवर है, करेला है, या फिर भिंडी है, गवार है, ये सारी जो फल जैसे दिखने वाली सब्जियाँ रहती है वो कड़वे रस की रहती है, कद्दू है, और वो अपना पित्त कम करती है। फिर इस महीने में हम दूध भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम दूध ले सकते हैं। दूध मीठे रस का रहता है, ठंडा रहता है, वो पित्त को कम करता है। तो सुबह शाम हम खाली पेट दूध ले सकते हैं। अगर आपको कफ की कोई भी तकलीफ नहीं है तो रात को भी आप दूध ले सकते हैं। कोजागिरी बोलते हैं या शरद पूनम बोलते हैं, वहाँ पे हम चाँद को दूध दिखा के, चाँद में रख के ही वो दूध का सेवन करते हैं। खीर का सेवन हम कर सकते हैं इस ऋतु में, जो पित्त को कम कर देता है। घी हम ले सकते हैं खाने में, लेकिन डीप फ्राइड कोई भी चीज़ें नहीं लेनी है, बिल्कुल ज़्यादा तली हुई रहेंगी, वो आपको पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। तो इस सीज़न में नवरात्रि भी आती है, नवरात्रि में भी बहुत सारे लोगों के उपवास रहते हैं,
पित्तोष ज्यादा बढ़ने की वजह से हमारा अग्नि मंद हो जाता है, हमारी भूख मंद हो जाती है, तो इस वजह से ये उपवास भी आते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि हम गरबा खेलते हैं, बहुत सारे नवरात्रि में जागरण करते हैं और फिर रात को हम बहुत सारा नाश्ता कर लेते हैं, गरबा खेलते हैं, 12 बजे हमारा अलग अलग तरीके के खाने रहते हैं वो हम खाते हैं, तो इन दोनों ही वजह से अपना पित्त बढ़ जाता है। तो आप जागरण कीजिए, नवरात्रि के मज़े लीजिए, गरबा खेलिए, लेकिन खान पान पर ध्यान दीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। आपको दिवाली एंजॉय करने के लिए नहीं हो सकती है, पेट बिगड़ जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो खाना पीना आपका कैसा होना चाहिए? मधुर रस वाला होना चाहिए, कड़वे रस वाला होना चाहिए, जो पित्त को कम करे। ठंडी चीज़ें जो तासीर से ठंडी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए या फिर आइसक्रीम खाइए, वो नहीं चलेगा। जिनकी तासीर ठंडी है, जिसमें गुलकंद आता है, आंवला आता है, या फिर आप सब्जी के बीज रहते हैं वो आप ले सकते हैं, खस का शरबत है वो भी है, उसका सारे फल आप इस सीजन में बेझिझक आप खा सकते हो। सारी चीज़ें जो पित्त कम करने वाली है, नारियल पानी, आपके हीट की वजह से शरीर का पानी कम होता है तो नारियल पानी आप ले सकते हो, कोकम का शरबत आप ले सकते हो, खस का शरबत आप ले सकते हो, आंवले का शरबत आप ले सकते हो, आंवला आप ऐसे ही आंवला कैंडी है या फिर आंवले का रस भी, अभी जैसे जैसे सर्दी आ जाएंगी आपको ताज़े आंवले भी मिलने लगेंगे वो आप ले सकते हैं। कोहड़ा रहता है, उसको एशगार्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका रस आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें पित्त को कम करने वाली है, वो आप डेफिनेटली आपके डाइट में रखिए तो आपका पित्त कम होगा और बढ़ेगा भी नहीं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं देगा। आप जितना हो सके धूप में जाना अवॉइड कीजिए, अगर तेज़ धूप में जा रहे हैं तो आपको पूरा कवर करके जाइए, तेज़ धूप की वजह से भी आपका पित्त बढ़ सकता है। बहुत टाइम आप भूखे रहेंगे, चाय का सेवन ज़्यादा करेंगे, चाय कॉफ़ी है, अल्कोहल अगर कोई ले रहा है, हार्ड ड्रिंक ज़्यादा ले रहा है, तो वो भी लोगों को फिर एसिडिटी की तकलीफ बढ़ जाएगी। तो आपका खान पान ऐसे होना चाहिए तो आपका पित्त बैलेंस रहेगा और आपको कम से कम तकलीफ इस ऋतु में होती है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है या फिर पित्त की कोई भी बीमारी है, जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, जलन है, खून की खराबी की वजह से उनको स्किन पे रैशेस आते हैं, पिंपल्स आते हैं, सोराइसिस है, बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी है या फिर मेनोरेजिया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ऐसे प्रॉब्लम्स है, ये हम बोलते हैं पित्त की वजह से होता है वो लोग, या फिर पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं वो इस ऋतु में विरेचन नाम का पंचकर्म करवा सकते हैं। विरेचन में हम शरीर में ज़्यादा जमा हुआ जो पित्त है वो लूज मोशंस के माध्यम से निकाल देते हैं, दुलाब होते हैं पेशेंट को। वो ट्रीटमेंट कैसी है, क्या है, उसकी पूरी डिटेल में एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई है। जिन लोगों को ये सारी तकलीफें हैं, जिनकी पित्त प्रकृति है, वो लोग जाके वो वीडियो देखिए, कैसे करवाना है आप समझिए, और ये ऋतु में आप बिना झिझक ये पंचकर्म करवा लीजिए तो पूरे साल भर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और आपकी जो बीमारी है उससे आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। जिन लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति है वो भी हेल्दी रहने के लिए, ये ट्रीटमेंट किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक अस्पताल में जाके, क्लिनिक में जाके करवा सकते हैं। विरेचन के साथ रक्तमोक्षण भी करवाना आपको इस ऋतु में लाभदायक होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी प्रकृति, आपकी बीमारी क्या है, उसमें कौन से प्रकार का रक्तमोक्षण करवाना चाहिए, इसकी जानकारी किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य से लेनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें हैं, जैसे खान पान मैंने बोला है, आपकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए और उसके साथ ही कौन सा पंचकर्म इस ऋतु में अगर आप करवाएंगे तो आपको फ़ायदा होता है, इनकी सारी जानकारी ये वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्द से जल्द इसको लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको इसके बारे में कोई भी डाउट होगा तो इस कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब जल्द से जल्द देने की मैं कोशिश करूँगी। तब तक के लिए इतना ही, नमस्ते।